हेलो फ्रेंड्स, श्रेया फैशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको उषा जनोमे वंडर स्टिच सिलाई मशीन से इंटरलॉक करना बताएंगे। इसके लिए हमने जो कपड़ा लिया है, ये देखिए इसके बहुत त्रेसे बाहर निकल रहे हैं। इसको हम लॉक करेंगे, नहीं तो जैसे जैसे हम इसको यूज करेंगे कपड़े को, वैसे वैसे इसके रेसे ज्यादा निकलेंगे। कुछ कपड़े में ये धागे बहुत ज्यादा निकलते हैं, हम उसको थोड़ा सा इधर उधर करते हैं तो बहुत ज्यादा धागे निकलने के कारण कपड़े की कभी कभार लेंथ भी कम पड़ जाती है। इसलिए आप जैसे ही कोई ड्रेस की कटिंग करो, कटिंग करते ही आप उस पर इंटरलॉक कर लीजिए ताकि उसके धागे बाहर नहीं निकले और हमारी ड्रेस में भी अच्छी फिनिशिंग आए। इंटरलॉक करने से पहले हम कपड़े की फिनिशिंग कर लेते हैं। और अब हम मशीन की सेटिंग करेंगे। लेंथ स्टिच आप 1 से 4 के बीच में कहीं पर भी रख सकते हो, ये डिपेंड करता है हमारे कपड़े की थिकनेस पर। इसलिए हम इसको 3 पे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्टर डायल को हम C पे सेलेक्ट करेंगे। अब हम आपको इंटरलॉक करना बताते हैं। इंटरलॉक के लिए हम नॉर्मल फुट ही यूज करेंगे, जो हमारा रेगुलर स्टिच के लिए होता है जिगजैग फुट, इसी से हम इंटरलॉक करेंगे। ये हमारा इंटरलॉक हो गया, ये देखिए। इसी तरह कोई भी आप कपड़ा लेके रुमाल भी बना सकते हो। ड्रेस के अलावा भी अपने घर में बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिन पे हमें इंटरलॉक करना पड़ता है, जैसे टॉवल है, बेडशीट है, नेपकिन है, इनमें भी धागे निकलते हैं तो आप इंटरलॉक कर सकते हो और उनको सुंदर बना सकते हो। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स।